हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे रॉकिंग स्टार यश सर की दो मूवीज के बारे में जो कि आपको डेफिनेटली देखना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो। क्योंकि मैंने तो नहीं देखा था, लेकिन फाइनली जब मैंने आप लोगों के कहने पर जब इस फिल्म को देखा तो मैं मजबूर हो गया कि इसके ऊपर वीडियो बनाना ही चाहिए। हालांकि इनमें से एक फिल्म का रिव्यू करने के लिए मुझे मेरे सब्सक्राइबर जिसका नाम है सीना हरिकांत, वो बेचारे 2 महीने से बोल रहे थे कि भाई गूगली मूवी देखो, उसका रिव्यू करो। तो फाइनली मैंने ये मूवी देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने पोलिंग करके पूछा था तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी का भी नाम लिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले दोनों फिल्म को देखता और फिर दोनों फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करता, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि आप लोगों को ये दोनों में से कौन सी मूवी देखना चाहिए जिन लोगों ने नहीं देखे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गूगली मूवी के बारे में। गूगली मूवी में हमें नजर आते हैं रॉकिंग स्टार यश, कीर्ति खरबंडा और अनंत राज सर। मूवी की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है कॉलेज से, जहाँ के टॉपर यानी कि ब्रिलियंट स्टूडेंट है रॉकिंग स्टार यश, जिनका इस मूवी में नाम है शरद। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे, लेकिन वहाँ के प्रोफेसर है, टीचर है, प्रिंसिपल है, इवन उन कॉलेज के स्टूडेंट भी उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही बदमाश और बहुत ही येड़ किस्म का आदमी होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, उनके कॉलेज में आती एक मेडिकल स्टूडेंट यानी कि कीर्ति खरबंडा, जिसका इस मूवी में नाम है स्वाति। उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मूवी आपको क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, रोमांटिक कॉमेडी एक्शन मूवी, जहां पर आपको थोड़ा सा एक्शन देखने को मिलता है लेकिन एक जबरदस्त मैसेज भी देखने को मिलता है। वो मैसेज ये है कि जब दो चाहने वालों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो उनका रिलेशन किस तरह से इफेक्ट होता है, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन रॉकिंग स्टार यश ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाया है। आउटस्टैंडिंग मतलब पूरी फिल्म में आपको वो बहुत अच्छे लगेंगे। उसके अलावा कीर्ति खरबंडा एज स्वाति मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक और कैरेक्टर है जो मुझे दिल को लग गया, वो है अनंत राज सर का। यहाँ पर वो रोल प्ले कर रहे रॉकिंग स्टार यश के फादर का, लेकिन मैं बताऊँ कि हर एक बेटा हर एक बेटी चाहती कि उसका फादर ऐसी हो, मतलब एकदम फादर हो लेकिन साथ साथ वो एक फ्रेंडली फिगर भी हो, मतलब वो बच्चों की तरह एज अ फ्रेंड की तरह रहे। और वाकई में यहाँ पर अनंत राज सर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, और मैं इतना कह सकता अगर इस फिल्म में अनंत राज सर का कैरेक्टर नहीं होता तो ये फिल्म कहीं से फीकी पड़ जाती। उसके अलावा इस मूवी की म्यूजिक की बात करो तो म्यूजिक इस मूवी का अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो गाने इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन कुल मिला के गाने सिचुएशन के हिसाब से बहुत सटीक बैठते हैं। डेफिनेटली ये मूवी आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, और अगर आप कपल हो, अगर आपके भी बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो आप लोग ये मूवी को जरूर देखना, आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी मूवी जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में। इसमें हमें नजर आते हैं रॉकिंग स्टार यश, राधिका पंडित और अच्युत कुमार। मूवी की कहानी की बात करो तो कहानी शुरू होती है रामाचारी यानी कि रॉकिंग स्टार जैसे, जो कि पढ़ाई में इतने खास तो है नहीं, अब वो खुद भी पढ़ाई में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन यही वजह होती है कि अच्युत कुमार यानी कि उनके फादर उनसे बहुत नाराज होते हैं। इसी वजह से उनके फादर उनसे काफी सालों तक बात भी नहीं करते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब उनके कॉलेज में एक नई लड़की आती है यानी कि राधिका पंडित, जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया दिव्या का। उनके बाद उसकी लाइफ में किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मूवी पर्सनली क्यों देखना चाहिए। तो देखिए, ये मूवी ऐसी मूवी जहां पर आपको हर आधे घंटे में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और इतनी जबरदस्त इतनी बेहतरीन कहानी, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कन्नड़ मूवीज में से एक होगी। क्योंकि यहां पर आपको एक्शन देखने को मिलता है, रोमांस देखने को मिलता है, कॉमेडी देखने को मिलती है, इमोशन देखने को मिलता है, एक बढ़िया फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है, और क्या चाहिए रहेगा आपको इस फिल्म से। यहाँ पर भी यश सर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। राधिका पंडित की बात करो तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त केमिस्ट्री लगती है उनकी, और रियल लाइफ में वो हस्बैंड वाइफ भी है। मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं पता होगा तो बहुत कम लोग को ऐसा होगा कि नहीं पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर अच्युत कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो भी एक ऐसे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं कि एक टाइम पे उन पर गुस्सा भी आता है लेकिन एक टाइम पे बहुत इमोशनल भी फील करता है। और यहाँ पर सिचुएशन ऐसी ऐसी क्रिएट होती है ना कि एक बेटा क्या कह रहे हैं, मतलब अब आपको मैं हिंट ज्यादा नहीं दूंगा, बस इतना बता दूं कि ये फिल्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और रामाचार्य के कैरेक्टर से मैं बहुत ज्यादा खुद को कनेक्ट कर पा रहा था। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जगह पे वो मतलब टिपिकली जो लड़के होते हैं ना, तो जिस तरीके से उनकी फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई रामाचारी बाकायदा हमारी फीलिंग बोल रहा है। और ये फिल्म के डायलॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और सारे कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा कि आप इजीली इन सारे कैरेक्टर से आप कनेक्ट हो जाओ। और फिल्म में आपको बहुत हंसी भी आती है, फिल्म में इमोशनल भी फील करते हो, फिल्म के एक्शन भी बहुत अच्छे रहते हैं, और फिल्म के जो रोमांटिक सीन्स है बहुत अच्छे रहते हैं। और कुल मिला के ये फिल्म भी आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो। कुछ भी ऐसे एडल्ट सीन्स मुझे पर्सनली नजर नहीं आए जो आप अपनी फैमिली साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि दोनों फिल्म देखो, और अगर पर्सनली मेरी फेवरेट फिल्म की अगर बात करूंगा तो वो है मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। वो मुझे ज्यादा बेटर लगी गूगली से, लेकिन गूगली और ये दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। मैं आपको पहले बता दूं, कॉन्सेप्ट एक नहीं है, लेकिन हाँ गूगली से ज्यादा बेटर मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी है। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको कौन सी फिल्म देखना है। दोनों फिल्म आपको यूट्यूब में मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिल दुआ में याद रखना, मैं हूँ आशीष, और आप सब है आपके चैनल अरान एंटरटेनमेंट में। दिल